हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज तीन टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक मेरा ये है कि आज एक मेरे प्यारे भाई का वीज़ा 83 डेज बाद उसको मौसूल हुआ है। और जो लोग भी ये बात करते हैं कि यार 80 दिन 90 दिन के बाद स्पेन के वीज़े नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब मामला एवरी वीक के हिसाब से थोड़े से लेट होते जा रहे हैं, लेकिन वीज़े अल्लाह का शुक्र है जिनकी प्रोफाइल अच्छी है उनको अभी भी लग रहा है। दूसरा टॉपिक मेरा प्यारे भाई ये है मेरा कि D7 वीज़े के हवाले से मुझे बहुत सारी कॉल मौसूल हो रही हैं कि मुर्ज़ा भाई शॉर्ट में बता दें कि क्या आया कि हम D7 वीज़े के एलिजिबल हैं कि नहीं, जो कि रिलेट करता है पुर्तगाल से। तीसरा टॉपिक मेरे प्यारे भाई मेरा ये होगा कि एक मेरा बहुत प्यारा भाई जो पुर्तगाल से बिलोंग करता है उसको मैं लाइव लूँगा और उससे सवालात करूँगा, उससे पूछूँगा, आपको बताऊँगा कि जो लोग भी नए आने वाले पुर्तगाल में उनको क्या परेशानी फेस करनी पड़ रही है। वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं आपको जो अभी इनकी रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, उनके 3 से 4 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इनकी एक हार्डवेयर शॉप है, 3 साल से ये टैक्स पेयर हैं। इनकी आमदनी भी इन्होंने कोई खासी इतनी शो नहीं कराई, टैक्स भी इन्होंने अपने कोई खासा इतना मुझे नज़र नहीं आया, इन्होंने बहुत अच्छा टैक्स दिया हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका, क्योंकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर थी, 3-4 कंट्री ऑलरेडी घूमे हुए थे, तो स्पेन का 83 डेज बाद इनका वीज़ा अप्रूव हो गया, विच इज़ वेरी नाइस। अकेले ये जा रहे हैं। अच्छा, इनका जो एंडिंग बैलेंस आ रहा था, इन्होंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट भी लगाया था और इन्होंने अपनी बैंक पर बिजनेस की स्टेटमेंट भी लगाई थी, तो इनका जो एंडिंग बैलेंस आ रहा था वो 30 लाख रुपए का आ रहा था। आज मुझे BLS से फोन आ गया था, तो मैंने जाके पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया है, 82-83 डेज बाद आया है। तो मैंने कहा आपको बताऊँ, मेरी वैसे ट्रैवल हिस्ट्री जो थी वो मलेशिया है, थाईलैंड है, दुबई है, ईरान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया स्पेन का। तो मैंने कहा आपको अपडेट दे। पुर्तगाल का D7 वीज़ा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई? पुर्तगाल का वीज़ा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली जिनके पास पैसिव इनकम आती हो। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम नॉर्मली ये है कि अगर आपकी पेंशन आ रही है, अगर आपकी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, कोई भी ऐसी आपकी इनकम पैसिव इनकम जो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आ रही हो, ठीक है, आपने उसमें, आपको उसमें काम ना करना पड़ा हो और बैठे बैठे वो पैसे आ रहे हो, उसको पैसिव इनकम कहनी चाहिए। 7,200 सालाना एक आदमी की पैसिव इनकम होनी चाहिए, चाहे उसको पेंशन से आ रही हो, चाहे उसको घर जो उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दिए उससे आ रही हो, चाहे वो उसकी स्टेट से उसको आ रही हो, उसका प्रूफ होना चाहिए उस पर। वो आपके टैक्स रिटर्न में होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर उस कंट्री का टैक्स बन रहा है तो वो भी आपने पे किया हुआ हो, और उसका टैक्स, उसका जो वो रेंट है ना, वो आपके बैंक में आना चाहिए एवरी मंथ के हिसाब से, तब जाके वो ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि आप पैसिव इनकम आपके पास आ रही है, ठीक है। अगर आप किसी से पैसे पकड़ के वो शो करा दो कि सर ये देखें हमारे पास मंथली वो एयरली या वीकली हमारे पास पैसिव इनकम आ रही है, तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त ज़्यादा एशियन कंट्रीज से वीज़ा इशू हो रहे हैं और बहुत सारे लोग उन कंट्रीज़ की तरफ यूरोप में जा रहे हैं जहाँ पे इमिग्रेशन खुली हुई है, पुर्तगाल उनमें से एक कंट्री है। तो आए मैं आपको लेके चलूँगा अपने एक पुर्तगाल के रिहायशी के पास जिसने अभी रिसेंटली अपनी फाइल जाके लॉक कराई है, तो उससे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या परेशानी आजकल नए आने वालों को फेस करनी पड़ रही है। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है मुर्तज़ा भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, मैं इस वक्त पुर्तगाल में हूँ और मैं लिस्बन शहर के अंदर हूँ, और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ये मारती मुनिस एरिया है, मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ अभी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है, मैंने कहा आपको बता दूँ, प्रॉब्लम भी बता दूँ और उसका सोल्यूशन भी बता दूँ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सोशल बहुत डिले हो रहा है, लोगों को 1.5-2 महीने हो गए उनका सोशल नंबर नहीं आ रहा है, और मुझे भी तकरीबन 1.5 महीना हो गया सोशल अप्लाई किए बिना। तो मैंने भी एक एजेंट के ज़रिए ही अप्लाई करवाया था, और पहले वो एजेंट बहुत मीठे बनते हैं जब आप उनके पास नए नए जाते हैं, और बाद में जब आप उनसे काम करवा लेते हैं तो वो फिर बुरे, उनके रवैये बदल जाते हैं। मैं 1.5 महीने से अपने एजेंट को बोल रहा हूँ कि यार मेरा सोशल का क्या हुआ, सोशल का क्या हुआ, और वो कोई आंसर नहीं दे रहा। उसके बाद दी एंड मैं ख़ुद सोशल ऑफिस चला गया और मैंने अपने पेपर सारे सबमिट किए, और ये उसकी स्लिप है, अप्लाई हो गया है और ये मेरा एविडेंस है। और अब सोशल डायरेक्ट जो है ना वो मेरे घर पे आएगा बाय पोस्ट। तो ये बेहतर तरीका है कि हम एजेंटों को बोलते हैं हमारे सोशल का क्या हुआ, वो जवाब नहीं देते, वो अपने बोलते हैं कि हमारे को अब तक कोई मेल नहीं आई। तो ये बेहतर ये है कि हम खुद अपने सारे पेपर ले जाके सोशल ऑफिस में जाके जमा कर दें, टोटल फ्री है ये। और ये है क्या ना उन, और सोशल ऑफिस में ये चल रहा है, उनको इंग्लिश नहीं आती और हमें पुर्तगीज़ नहीं आती, लेकिन लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं आता क्योंकि वहाँ पर हमारे पेपर बात करते हैं। तो ये क्या, अब उनको पेपर दें वो समझ जाते हैं क्या हमें क्या काम है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। खुद जाएं लोग और ख़ुद सोशल अप्लाई करें, और
ईजीली रहें, वरना ये एजेंट जो है ना ये रातों की नींदें भी हराम कर देते हैं। मेरे एजेंट मुझे बोल रहा था 500 यूरो और दोगे तब जाके तुम्हारा सोशल नंबर निकलेगा, और मैंने फ्री में ये काम करवाया। बस मेरे प्यारे भाई, यही चीज़ें मैं आपको बताने आया था। इंशाल्लाह नई वीडियो जल्द बनाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास ऐसी आती है जो कि आपको लगे ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।